अस्सलाम वालेकुम, मैं जोन अली, स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे चैनल लाइफ तलीमस पे। दोस्तों आज हम शूट करने आए हैं वापस से कादरी गोट फार्म हमज़ा भाई के वहाँ, और माशाल्लाह एक बेहतरीन एक्सपो मैं बोलूँगा मेंढों का, जो बेहतरीन कलेक्शन आप लोगों को देखने मिलेगा। दो वीडियो हम बनाएंगे और लेकिन कलेक्शन जो है बहुत ही लाजवाब देखने मिलेगा। जो मेंढे होते हैं, जो शौकीन मेंढे होते हैं पालने के लायक, वो इस वीडियो में देखने मिलेंगे आपको। तो वीडियो जो है वो एंड तक देखें, और जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर है चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन के ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि मेरे आने वाली हर नोटिफिकेशन की अपडेट आपको टाइम टाइम मिलती रहे। और जिस किसी भाई को वीडियो शूट करवाना हो मेरे चैनल पर, आपको डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी दोनों ही मिल जाएगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या प्राइस होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम हमजा भाई। वालेकुम अस्सलाम रिजवान भाई, और सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं। तो भिवंडी में निज़ामपुरे में लग चुका है विलायती मेंढों का मेला, अल्हम्दुलिल्लाह, और माशाल्लाह बेहतरीन बेहतरीन क्वालिटी के मेंढे दिखाए जाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट वीडियो हमने बनाया उसमें भी माशाल्लाह बेहतरीन कलेक्शन था, ये वीडियो में भी एक से एक बढ़ के कलेक्शन दिखाएंगे। और फर्स्ट वीडियो में जो हमने प्राइस बताए थे वो बहुत माशाल्लाह था, ये प्राइस में कैसा रहेगा यहाँ पर? वही रहेगा इंशाल्लाह, कोई फर्क नहीं है, वैसे ही प्राइस जी भाई। और ये सब मेंढे जो मैं देख रहा हूँ, ये हम वीडियो जो बना रहे हैं लब्बैक गोट फार्म और कादरी गोट फार्म, एक जॉइंट वेंचर के हिसाब से जी वीडियो बना रहे हैं। शूट जो कर रहे हैं निजामपुरा भिवंडी जी भाई, कितने मेंढे दिखाएंगे ये वीडियो में? ये वीडियो में जो है 7 मेंढे बताएंगे, दुकान में 7 मेंढे दिखाएंगे। और 16 मेंढों का बोले थे, लेकिन एक मेंढा जो है पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह सोल्ड हो गया, सोल्ड हो गया जी भाई। और जैसे सब अदंत है कि दाती बच्चे है? इसमें जो है सिर्फ एक दो दांत पे आएगा, बाकी सब अदन भी, सब अदन मेंढे हैं जी भाई। और माशाल्लाह हम एक एक करके मेंढे दिखाएंगे आपको, लास्ट तक वीडियो देखें, बहुत मजा आएगा। प्राइस जब सुनोगे और क्वालिटी जब देखोगे इंशाल्लाह। ये प्राइस में अभी के तारीख में थोड़ा सा मुश्किल है, चीजें मिलती है जी। सेट माल, सेट माल मिलेगा, ऐसा नहीं बोल रहे कि नहीं मिलेगा, लेकिन सेट माल नहीं मिलेगा, सेट माल नहीं जी भाई। जैसे ये सब मेंढे कब से है अपने पास? ये तकरीबन 3 महीने हो गए भाई, 3 महीना हो जी भाई, एकदम सेट है अल्हम्दुलिल्लाह। गिल्ली चुनी पे है, डालो बताएंगे अपना रंग लोग इंशाल्लाह। और एक सवाल ये था, जैसे ये सब मेंढे हैं जी, अगर कंटिन्यू आपके पास पलाई पर रखना है तो जगह स्पेस अवेलेबल है? जी भाई अल्हम्दुलिल्लाह ले लिए एक सेटअप। और अच्छा, फर्स्ट जो हमने सेटअप बनाए थे वो उसका पूरा फुल हो चुका है जी, ये अब सेकंड एक सेटअप और लिए हुआ जी अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें रहेंगे 26-1 केज रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, 26-1 केज रहेंगे जी माशाल्लाह, और पूरा पलाई का ही काम करना है? पूरा पलाई का काम रहेगा माशाल्लाह। तो मतलब ये एक अपॉर्चुनिटी और है लोगों के पास जी भाई, जैसे आपके पास के मेंढे लेके आपके पास ही पलाई पर रख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पब्लिक रख रही है अपने पास। सही है, क्या चार्जेस हैं? चार्जेस अपना जो है केजेस का 3000 है, और कुटे का जो है वो 2500 है, 2500 रुपये जी। अपने तो पुराने फार्म पे जो है वहाँ पे तो अभी तक कुटे के अवेलेबल है, बाकी केजेस तो अल्हम्दुलिल्लाह फुल है, फुल हो चुकी है जी भाई। चलेगा, तो स्टार्ट करेंगे पहले मेंढे से जी भाई। विलायती में पूरा गुलाबी है, कहीं कोई स्पॉट वगैरह है? पूरा गुलाबी बच्चा है, पूरा गुलाबी बच्चा है जी भाई माशाल्लाह। अदन बच्चा है? अदन बच्चा है। कितने महीने का होगा ये? तकरीबन होगा 6-7 महीना पकड़िए। और बॉडी वेट अगर मैं देखूं तो क्या आएगा? 35 किलो भाई, 35 केजी जी भाई जाएगा। क्या डिमांड कर रहे हो? डिमांड 16,500 रुपये दिखवा, 16,500 जी भाई। और जितना भी हम प्राइस बोलेंगे उसमें थोड़ा बहुत नेगोशिएबल, हाँ एकदम स्लाइटली रिजवान भाई, क्योंकि प्राइस ही आप अच्छा बोल रहे हो जी भाई। और एक माशाल्लाह मैं दिखा दूं आप लोगों को कि पूरा कलेक्शन देखिए, काफी मेंढे इसमें हमने पहली वीडियो में दिखा चुके हैं जी भाई, और काफी मेंढे अभी आना बाकी है। और दो वीडियो रिजवान भाई बनाने का पर्पज ही यही है कि इतने मेंढे जो है एक साथ एक वीडियो में डालते हैं तो वीडियो भी बड़ी हो जाती है, और पब्लिक उतना जो है शौक से देखती नहीं है इसमें, कैसा एक एक चीज इंशाल्लाह जो है। दूसरा कैसा है ना भाई कि कलेक्शन रिपीट हो जैसा लगता है कि हाँ सेम सेम मेंढे हो रही है जी भाई, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि अलग अलग वीडियो आएगी तो लोग कंफ्यूज भी नहीं होंगे जी भाई। जैसे हमने ये कबरा दिखाए थे इससे पहले वाली वीडियो में जी भाई, लेकिन माशाल्लाह बच्चा देखिए, अदन बच्चा ये भी जी भाई। अगर अवेलेबल होगा ये वीडियो आने तक तो मिल जाएगा आपको, नहीं तो पहली वीडियो में हो सकता है कि सेल हो जाए। सही है, है ना जी भाई। क्या डिमांड कर रहे हैं इसका? 16,500 चलेगा जी भाई। हमजा भाई जी भाई, ये भी अदन मेंढा है जी? अदन मेंढा है। ये भी डिटेल क्या आएगी इसकी? ये अभी जो है तकरीबन 6-7 महीने का होगा, 6-7 महीने जी भाई, और 35 किलो वेट माशाल्लाह जी भाई। और मैं बोल दूं भाई, कोई भी मेंढा आपको जो मेंढा पसंद आ रहा है प्राइस के हिसाब से, जो आपका सब अलग अलग कलर के अलग अलग पैटर्न के अलग अलग क्वालिटी के माशाल्लाह मेंढे है, लेकिन ये बोलूंगा बनने वाले मेंढे है, और बाहर की तरफ सींग है माशाल्लाह जी भाई। लेंथ देखिए, पेटी वगैरह देखिए, सीना वगैरह माशाल्लाह बच्चे ने बना लिया है।
अब यहाँ से ये वेट पुटअप ही करेंगे क्योंकि ये 3 महीने से सेट हो चुके हैं मेंढे जी भाई। कितने महीने का होगा ये? ये 6 महीने, 5 से 6 महीने, 6 महीने का बच्चा है जी भाई। और वजन? ये वजन 35 किलो, अराउंड 35 केजी आएगा माशाल्लाह। और ये मैं जितने बता दूं, ये 5 से 6 महीने के मेंढे बोल रहे हैं। एक आते तो छोटे मेंढे जो हम शूट करते थे जी, लेकिन ये सब खा पी के माशाल्लाह अच्छे बड़े हो गए। वैसे ही आए थे? हाँ, अच्छा वैसे ही आए थे, लेकिन ये 3 महीने में इन्होंने बहुत अच्छा पिकअप लिए है अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे गिल्ले दाने पे सेट है रिजवान भाई, अपन एक ही चीज बोल रहे बार बार। हाँ जी माशाल्लाह मेरा भाई, ये देख के भी समझ में आता है ना, क्योंकि चरे हुए मेंढे ऐसी पेटी वगैरह नहीं निकालेंगे, ये साइज वगैरह नहीं रहती है। हाँ, ये माशाल्लाह खाए हुए मेंढे है तो ये साइज में आज खड़े हैं जी भाई। और कोई भी लेकर जाएगा तो ये कुर्बानी में इंशाल्लाह शायद काम भी आ जाए, और अगर नहीं इंशाल्लाह अगले साल नहीं तो भाई अदन रहेंगे, लेकिन जो वजन पे पहुंचेंगे ये तो उनको बेचने भी पैसा 2 पैसा मिलेगा उनको। सही है भाई, क्योंकि अदन मेंढा अगर खड़ा रहेगा 70 किलो पे अराउंड, मैं समझता हूँ अगर ये 35 किलो का है तो 6 महीने में इसकी इतनी ताकत है कि ये 65-70 किलो पे खड़ा रहेगा इंशाल्लाह भाई। और वो टाइम पे अदन रहेगा तो सोचो क्या प्राइस रहेगी इसकी। हाँ इंशाल्लाह दे के जाएंगे भाव। तो ये भी एक अच्छी चीज है कि अगर आपके पास बकरे वगैरह है तो एक मेंढा रख लो, सही है, और बाद में इसको बेचो आपके पास एक अमाउंट आ जाएगा। सही है, अगर दांत आपको कुर्बानी नहीं करना है तो जी भाई, कुर्बानी करना तो कुर्बानी कर लीजिए। सही है, क्या पैसे मांग रहे हो? इसके जो अपन 15,500 में 35 किलो का मेंढा जी भाई, वो भी क्वालिटी की बात जहाँ तक मैं करूँ तो कोई भी मेंढा बेफिक्र होके आप ले सकते हो इंशाल्लाह भाई। कस्टमर को जब डिलीवर होता है तो लोग सामने से बोलते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जो एक्सपेक्ट किए थे वो मिला है। और दूसरी चीज एक मैं ये बोल दूं, फर्स्ट वीडियो में मैंने नहीं बताया था कि ये सब पठानकोट के मेंढे है, क्योंकि इनकी पहचान लंबे दुम है जी। दुम दिखा दीजिए एक बार के, साइज देखिए दुम की, ये लंबी दुम के माशाल्लाह पठानकोट के। पठानकोट मशहूर इसलिए है कि वो मेंढे बनते बहुत हैं, एनवायरमेंट वहाँ का, एनवायरमेंट वहाँ का जो क्वालिटी होती है वो बनते बहुत ज्यादा है। आप खिलाओ, ये तो गिली चुनी सेट है, लेकर जाओ और दाना चालू करो जी। वही सिंग वगैरह भी जो है, कुछ खींची वगैरह नहीं, जो नेचुरल जो है सब नेचुरल है माशाल्लाह। तो 15,500 जी भाई। ओके हमजा भाई जी, रिजवान भाई लग रहा है ज्यादा खिला दिए भाई ये लोग को, पेटी वेटी तो अभी से निकाल लिया। अल्हम्दुलिल्लाह रिजवान भाई, खा रहे 3 महीने से खा रहे चुनी, तो अपना रंग बताएंगे ना रिजवान भाई। और 6 महीने का होगा ये भी जी भाई, लेकिन माशाल्लाह पेटी वगैरह अभी से बना दी है अल्हम्दुलिल्लाह। बॉडी वेट 30 किलो आ जाएगा, 30 किलो आ जाएगा जी भाई। और पूरा व्हाइट गुलाबी माशाल्लाह, सिंग देखिए, सिंग भी बाहर की तरफ है, दोनों सिंग भी देखिए माशाल्लाह, अच्छी सिंग में ये भी आएगा। और अभी तो सिंग भाई बहुत बढ़ेगी इनकी, और वहां से एक चीज दिख रही नहीं है कि आंख पे जो पूरा ब्राउन पैच है, लाइट ब्राउनिश पैच है जी भाई। अच्छा अच्छा जी भाई, और जो पैर पे भी कलर आएंगे हल्के हल्के ब्राउन कलर आएंगे जी भाई। क्या पैसे मांग रहे हो इसके? इसके जो है 15,000 रुपए अपन मांग रहे, 15,000 जी भाई माशाल्लाह, थोड़ा बहुत नेगोशिएबल हो जाएगा इंशाल्लाह, थोड़ा बहुत नहीं माशाल्लाह। प्राइस तो भाई अच्छा ही रखते हो, प्राइस बहुत अच्छा रखते हो, मतलब ये ऐसा प्राइस है कि इसमें कोई भी बेफिक्र होकर ले सकता है। सही है, नेगोशिएबल वाली बात नहीं, क्योंकि मेंढे ये प्राइस में भाई नहीं आते, नहीं मिलेंगे। सेट जानवर मिलता है, क्योंकि आप लाकर 3 महीना मेहनत करने के बाद अगर ये प्राइस डाल रहे हो तो बड़ी बात है। सही है, और चलो आपको जो पैसे मिल रहे अल्लाह रोजी दे उस पर कोई मसला नहीं है, लेकिन प्राइस अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी ऑल ओवर इंडिया, चार्जर जो भी रहेंगे सामने वाले करेगा, और इंशाल्लाह जो है वो थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन पहुंच जाएगा जानवर, जैसे 3-4 दिन भी लग सकता है, 5 दिन भी लग सकता है। सही है, लेकिन आपकी चीज आप तक पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी। इससे पहले वीडियो में हमने ऐसे ही हाइट लेन का एक मेंढा और दिखाए थे जो हाइट लेन अच्छा लेगा अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी ये दूसरा मेंढा आया है जी भाई, जो हाइट लेन वाला माशाल्लाह अच्छा दिख रहा है कि हाइट लेन अच्छी है। हाँ वो थोड़ा छोटा था, ये बड़ा है, ये उससे बड़ा है जी भाई एक्चुअल में। और मैं मेंढा दिखा दूँ तो ये मेंढा हमने लास्ट दिखाया था इससे पहले हाइट लेन में माशाल्लाह फुल व्हाइट में था, और अभी ये उससे बड़ा आया है जी भाई, है ना। ये क्या डिटेल पे आएगा मेंढा? अदंत बच्चा है रिजवान भाई, ये भी अदंत है जी भाई, बताओ। हाँ कितने महीने का होगा भाई ये? तकरीबन आना चाहिए 8 महीने का, 8 मंथ जी भाई। बॉडी वेट? बॉडी वेट जो है 35-38 किलो के बीच में, और ये भी पूरा व्हाइट गुलाबी बच्चा है, हल्का सा या ब्राउन भाई। लेकिन एक चीज बोलूंगा कि जितने मेंढे कोई नहला लेगा ना भाई, दिल खुश हो जाएगा उसका। नहीं मेंढे ने इसके लिए अपन ने जो है नहलाए नहीं, इसीलिए भाई। सही है, ये सब बच्चे अभी गंदे हैं, ब्राउन दिख रहे हैं, लेकिन ये फुल व्हाइट बच्चे, फुल व्हाइट बच्चे, गुलाबी बच्चे है। खुर भी देखेंगे, मार्बल आएगी, और 35 से 38 किलो का मेंढा है जी भाई। क्या पैसे मांग रहे हो बोलो? 17,000 रुपए रिजवान भाई, 17,000 जी भाई। क्या बात है माशाल्लाह, लाइव आओ भाई, चीज देखो, दिल खुश होगा इंशाल्लाह ताला। पूरा एक्सपो बोलूंगा मैं मेंढे का, देख लीजिए माशाल्लाह, कलेक्शन क्वालिटी लाजवाब आपको अल्हम्दुलिल्लाह देखने मिलेगी कादरी गोट फार्म और लब्बैक गोट फार्म पर जी भाई, चलेगा। हमजा भाई जी रिजवान भाई, ये थोड़ा बड़ा मेंढा है जी भाई, क्या डिटेल पे है? 2 दांत इसने अभी फ्रेश बताओ किया है रिजवान भाई। हाँ फ्रेश निकाल रहे, मतलब जी भाई खराब ही नहीं है पूरा। हाँ
आ गए, मतलब आधे से ज्यादा निकल गए। हाँ हाँ, और 45-48 किलो के बीच में आएगा रिजवान भाई, 45-48 किलो का मेंढा आएगा जी भाई। मेरे को एक बार फेस दिखाइए सामने से इसका, सिक्के वगैरह, सिक्के वगैरह देखिए जो बाहर निकले माशाल्लाह, और रिपीट वगैरह माशाल्लाह देख सकते हैं कि। और ये साल तो कुर्बानी में काम आ ही जाएगा। हाँ, ये तो तैयार करो बस, कुर्बानी में काम आ जाएगा जी भाई, क्योंकि दांत अभी निकाल रहे। क्या डिमांड कर रहे हो इसके? अपन 21,000 रुपए जी रिजवान भाई। यानी अब जाके मैं दिखाऊं कि जितने भी मेंढे हमने दिखाए जी, 21,000 का पहला मेंढा ही आया है जी भाई। नहीं तो सब मेंढे माशाल्लाह 14,000, 15,000, 16,000, 17,000, 45 किलो वेट भी है रिजवान भाई। नहीं माशाल्लाह, नहीं प्राइस तो अल्हम्दुलिल्लाह सभी मेंढों का आप अच्छा रख लगा ऐसा नहीं, मतलब ये है कि लेके आदमी बेफिक्र होकर शौक कर सकता है, मैं ये बोल सकता हूं, या आगे दो पैसा रख के बेचेगा तो दो पैसा मिलेंगे भी उसको इंशाल्लाह भाई। ये चीज के हिसाब में भी चाहिए तो इंशाल्लाह अपन कुछ गुंजाइश करके दे देंगे। सही है जी भाई। और मैं एक चीज और बोल दूं, मेंढे इतने हैं कि आपको अगर बेचने के लिए चाहिए बेफिक्र होकर हमजा भाई को फोन करो, इंशाल्लाह आपको 10-15 मेंढे चाहिए वो अच्छे प्राइस में करके मिल जाएंगे इंशाल्लाह। चाहे वो कच्छ के हो, विलायती, जो मेंढे चाहिए इंशाल्लाह अपन वो भी करवा के दे देंगे अल्हम्दुलिल्लाह जी भाई। ये तो सब लेने ऐसे मेंढे हैं माशाल्लाह, 21,000 चलेगा। एक ये ब्रीड भाई विलायती, ये विलायती है रिजवान भाई, कलर बहुत प्यारा है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पठानकोट में भाई इसको तुस्सा कलर बोलते हैं, तुस्सा जी भाई। सही है, मतलब ये वहाँ का ही नाम है तुस्सा कलर, वहाँ के लोग बोलते हैं ये जी भाई। माशाल्लाह कलर है भाई ये तो, देखो अभी ये ब्राउन दिख रहा है ऊपर भी, लेकिन ये डार्क ब्राउन है और ये पीछे पूरा व्हाइट है जी भाई। ये जब नहला धुला देंगे और खूबसूरत दिखेगा, और खूबसूरत दिखेगा इंशाल्लाह। और सिंग जो इसकी है एक राउंड ले चुकी है, चेहरा देखिए बच्चे का माशाल्लाह, उठा हुआ पोपट चेहरे में माशाल्लाह एकदम है अल्हम्दुलिल्लाह। सिंग का जाड़ापन वगैरह भी बहुत अच्छी है, नहीं बहुत माशाल्लाह क्वालिटी है भाई। इसको पीछे करो मेरे को जरा, आगे से बच्चा दिखाओ एकदम। हाँ शाबाश बच्चा, देखिए अब क्वालिटी देखिए, सामने से जो लुक आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन। अदंत है भाई ये, अदंत क्या बात है माशाल्लाह, मेंढा देखो क्वालिटी देखो अल्हम्दुलिल्लाह। और जितने मेंढे सब रिजवान भाई पठानकोट के, जिसको मालूमात है इंशाल्लाह वो खुद बताएगा। चलो माशाल्लाह चीज देखिए, बॉडी वेट क्या आएगा हमजा भाई इसका? बॉडी वेट जो है इसका 50 किलो आ जाएगा रिजवान भाई, 50 केजी जी भाई अल्हम्दुलिल्लाह। अदंत में, अदंत में। और अभी तो सिंग वगैरह देखिए, कलर देखिए, बहुत खूबसूरत कलर का माशाल्लाह मेंढा है ये अल्हम्दुलिल्लाह रिजवान भाई। क्या पैसे मांग रहे हो इसके बोलो? 24,000 रुपए रिजवान भाई, 24,000 माशाल्लाह। सेट बच्चा है भाई, चीज है चीज है अल्हम्दुलिल्लाह भाई, बहुत अच्छी चीज है। ये तो अभी खुला नहीं है, जब खुलेगा ना भाई आगे से जो लुक दे रहा है मेंढे का, और ये जो नखुटा इसका उठेगा बहुत माशाल्लाह चलेगा। ओके हमजा भाई, ये ब्रीड रिजवान भाई विलायती बच्चा है जी भाई। दांत है कि अदंत है वो बताइए? अदंत बच्चा है भाई, अदंत है, क्योंकि साइज माशाल्लाह इसकी भी अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। बॉडी वेट अगर मैं देखूं तो बॉडी वेट जो है इंशाल्लाह आएगा 48-50 किलो, और ये लास्ट मेंढा है ना, लास्ट मेंढा है। दांत की पोजीशन में वो खाली एक बार दिखा दो इसकी, क्योंकि बहुत ज्यादा ये एग्रेसिव है एकदम, बारीक मोती जैसे दांत है माशाल्लाह। मेंढे की साइज देखो, आगे से चेहरा, चेहरा दिखाओ उसका आगे से मेरे को एक बार माशाल्लाह। देखिए ये बच्चे फुल रुआब वाला बच्चा है रिजवान भाई, फुल रुआबदार क्वालिटी वाले माशाल्लाह मेंढे आएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पैसे मांग रहे हो इसके बोलो? इसके रिजवान भाई 23,000 रुपए, 23,000 जी भाई माशाल्लाह। चीज देखिए, और पूरा गुलाबी में। अच्छा ये स्पॉट जो है इसको भी कुछ अलग बोलते हैं कि, मतलब ये उसमें ही आएगा? उसी में आएगा। अच्छा जी भाई माशाल्लाह मेंढा देखिए, क्वालिटी देखिए। और बेफिक्र होके मैं बता दूं कि जितने ही मेंढे हम दिखाए जो प्राइस बोले, बेफिक्र होके आपको जो बजट है आपका इंशाल्लाह वो बजट के हिसाब से मेंढे ले सकते हो अल्हम्दुलिल्लाह। सब रेंज दे दी अपन ने, जिसका जैसा हाँ। वैसा इंशाल्लाह मिले, लेकिन सब क्वालिटी है, क्वालिटी है, और दो पैसा इसमें आप कमा भी सकते हो ये मैं इंशाल्लाह जी भाई। माशाल्लाह अच्छे बड़े साइज के अच्छे मेंढे है जी भाई अल्हम्दुलिल्लाह। तो हो गए सभी चीज दिखा के अल्हम्दुलिल्लाह, वीडियो क्लोज करूं जी भाई। चलो अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। तो वीडियो मैं क्लोज करता हूं, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन कॉल पर क्लिक कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।